Hi students, now I am going to start today's session to be continued. हम लोग start किए थे the mirror on the wall. So let's start. Everyone thanked Myra for her help and apologized for being mean to her. Anna understood that everyone is important. She also understood that a mirror on the wall can never help to know someone's worth. She patted Myra's back. We all are proud of you, Myra. You are not only a great runner, but also a fantastic catcher. Now, explanation. एवरीवन थैंक्ड मायरा, सारे लोग मायरा को थैंक्ड किए और जो बिहेवियर्स उसके साथ कर रहे थे इतनी देर तक, इसके लिए एप्लोजाइज्ड भी हुए सारे लोग. एना जो मायरा की सिस्टर हैं, वो अभी तक समझ चुके थे कि सारे लोग हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं. सी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट मिरर ऑन द वर्ल्ड कैन नेवर हेल्प टू नो समवन्स वर्थ. मतलब मिरर में हम लोग जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, उससे हम लोग किसी का वैल्यू नहीं माप सकते कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में. मतलब ब्यूटी सब कुछ नहीं है, इसका मतलब इनर मीनिंग यही है. सी पैटेड मायरास बैक, मायरा पीठ को थपथपाया याना ने. वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, बोले कि हम सारे लोग, जितने मेरे फ्रेंड्स और सारे गर्ल्स जो अभी प्ले कर रहे थे गार्डन में, हम सारे लोग प्राउड ऑफ यू. मतलब आपके लिए मायरा, यू आर नॉट ओनली अ ग्रेट रनर, बस आप अच्छे दौड़ते नहीं हो, बट ऑल्सो आप फैंटास्टिक कैचर, मतलब बहुत अच्छे से आप जो कैच करते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छे हो. नाउ आवर क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइजेस है वो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट यू नो, आप क्या जान चुके हो अब स्टोरी से, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर है, ये सब अभी हम लोग देखते हैं. मायरा एंड एना वर कजिन्स. आपको क्या लगा, मायरा एंड एना आर कजिन सिस्टर थे? नो, मायरा एंड एना वर सिस्टर्स, दोनों बहनी थी. Anna did not take Myra with her as she were getting late. Myra को नहीं ले गए, कारण क्या था कि वो लेट हो रहे थे? Anna नहीं. Anna did not take Myra with her because Myra was fat and ugly. वो देखने में अच्छी नहीं थी, इसके लिए नहीं ले गए. Friends accept us the way we are. फ्रेंड्स हमको ऐसे एक्सेप्ट मान लेते हैं, हम जैसे हो, यानी कि मेरे अपीयरेंस सुंदर है तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते, अगर अपीयरेंस अच्छे नहीं हो तो फ्रेंड्स नहीं होंगे कोई मेरे साथ, ऐसा नहीं है. जो हम अंदर से अच्छे हैं, जो सच्ची में अच्छे इंसान होते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स अपनाते हैं हम लोगों को. दिव्या इन्वाइटेड मायरा टू सिट विथ हर ऑन द सीसॉ. दिव्या उसको इन्वाइट तो नहीं किए थे, रॉन्ग है. दिव्या टोल्ड मायरा टू प्ले ऑन द अदर स्विंग, दूसरे स्विंग पे जाके आप प्ले करो, ऐसे बोले थे दिव्या. जेन पैटेड मायरा बैक, जेन ने नहीं, जेन तो एक डॉगी था छोटा सा पप्पी, तो एना पैटेड मायरा बैक. एना ने जब जेन को कैच किए दौड़ के, तब एना जाके मायरा को पीठ थपथपा के बोली कि हम सारे लोग आपके लिए प्राउड है. समायरा फ्लू इन द एयर, नो इट इज रॉन्ग, जेन फ्लू इन द एयर. जेन ने, मतलब वो जब वो लोग स्विम में प्ले कर रहे थे उसी टाइम जेन ने डिसबैलेंस होके गिरने लगे थे. सो फ्लू इन द एयर. Myra was a great runner and also a fantastic catcher. Myra बहुत अच्छी एक रनर ही नहीं थे, एक fantastic catcher भी थे. आपको ये भी पता है कि yes, it's right. B, pick
एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट डिस्क्राइब एना एंड मायरा। मतलब स्टोरी से कुछ वर्ड लीजिए जिससे हम लोग को पता चलता है कि एना की कैरेक्टर कैसा था और मायरा की कैरेक्टर कैसा था। ओके, एना कैसी थी? फेयर थी, स्लिम थी, प्राउडी थी। और मायरा कैसी थी? ना लिटिल एंड अगली, सैड, दुखी रहती थी हर वक्त, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी और फेयरनेस उतनी अच्छी नहीं थी उनकी। फैट एंड डार्क थी, फैंटास्टिक कैचर थी, फैंटास्टिक कैचर एंड ग्रेट रनर भी थी मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव सम अदर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर देम, मीन्स एना एंड मायरा के लिए आपके पास कोई और कोई वर्ड्स है जो दोनों का कैरेक्टर डिस्क्राइब कर सकते हैं? विच आर नॉट देयर इन द स्टोरी, स्टोरी में दिया हुआ नहीं है लेकिन आप खुद से बता सकते हैं ऐसे। गिव एट लीस्ट वन फॉर ईच। मायरा कैसी थी? काइंड हार्टेड थी, काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल गर्ल थी। और एना कैसी थी? इनसेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा उनमें पेशेंस नहीं थे, सेंसिबल नहीं थे कि अपना सिस्टर है उसको नहीं ले जाएंगे तो रोएगी, ऐसे उनमें, ऐसे उनके मन में कुछ नहीं था। तो इनको हम लोग बोल सकते कि इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। नाउ सपोज यू हैव अ न्यू नेबर इन योर सोसाइटी, ही इज ऑफ योर एज बट हैज हिज रीजन फॉर बीइंग अनफ्रेंडली, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू हिम। मतलब आपके नेबर में, आपके सोसाइटी में कोई एक नया बच्चा आए हैं, नया नेबर आए हैं जिसका कोई प्रॉब्लम है, बट वो आपके एज की है, आपके उम्र के बच्चे हैं, तो आप उससे फ्रेंडशिप नहीं करोगे? जैसे देखिए, इस बच्चे को देखिए, ये जैसे चल नहीं पाता है। लुक एट माई लेग्स, आई कैन नॉट इवन स्टैंड, हु वुड लाइक टू बी माई फ्रेंड। कोई मेरे फ्रेंड हो सकते कि मैं चल नहीं पाता हूँ, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं होगा, ऐसे इसके मन में हो रहे थे। तो आप, मैं कुछ कैसे आंसर देंगे? थोड़ा सेंसिबल आंसर देना चाहिए ना। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मतलब आप दुखी मत होइए, आप उदास मत होइए। इट डज नॉट मैटर टू मी, ये मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करते कि आप चल नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। लेट्स बी फ्रेंड्स, हम लोग, चलो हम लोग फ्रेंड हो जाते, दोस्त होते हैं। और डी में आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में सारे मैम ने आपके लिए पीडीएफ फाइल रेडी किए हैं, ये आपके सेंड करेंगे हम, खूब सारे इजी है। व्हाट रीजन डिड एना गिव टू अवॉइड टेकिंग मायरा विथ हर, किस लिए मायरा को नहीं ले गए? आपको पता है ना मायरा देखने में उतना सुंदर नहीं थी, इसलिए एना ने उसको नहीं ले गए, अवॉइड किए। व्हाई डिड मायरा क्राई, मायरा किस लिए रो रही थी? बिकॉज वो सुंदर नहीं है, सारे लोग उसको अवॉइड करते, इसलिए। शुड वी चूज फ्रेंड्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर अपीयरेंस, हम अपने दोस्त ऐसे चूज करते हैं कि अपीयरेंस देखते, उसका चेहरा देख के? नहीं ना, फ्रेंड्स होना चाहिए मन से अच्छे होने चाहिए, और अपीयरेंस कैसे भी हो लेकिन दिल से अच्छी होनी चाहिए, वही हमारे अच्छे फ्रेंड होते हैं। व्हाट मेड मायरा फॉरगेट हर टीयर्स एंड रन फॉर हेल्प, क्या मायरा को, मतलब जैसे वो रो रही थी अकेले अकेली खड़ी होके, अचानक वो क्यों भूल गए? जब वो देखे कि एयर में फ्लू करे थे कौन, जो डॉगी थे, छोटा सा पप्पी थे, वो अचानक डिसबैलेंस हो गए थे, स्विंग से गिरने वाले थे, तो तभी उधर जाके मायरा ने उसको बहुत दौड़ के गए उधर और उसको कैच कर लिए। तो सी इज अ ग्रेट रनर एंड फैंटास्टिक कैचर ऑल्सो, सो इजिली उसके लिए इजी भी हो गया, अच्छे से वो कैच कर पाई। व्हाट क्वालिटी ऑफ मायरा हेल्प्ड हर टू सेव जेन, जेन को मतलब कौन सा क्वालिटी था जिसलिए जेन को कैच कर पाई? तो आप
अभी मैम आपको बताया कि वो बहुत अच्छे रनर थी, ग्रेट रनर एंड फैंटास्टिक कैचर थी, इसलिए वो बहुत इजीली सेव कर पाए जेन को। नाउ डिस्कवरी फोकस, इसमें एक मीनिंग बताया गया है, जैसे जंबलिंग जंबल वर्ड जैसे लेटर आगे पीछे होते हैं तो हम लोग उसको अरेंज करके एक वर्ड बनाते हैं और उसके उसका एक मीनिंग होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते कि जंबलिंग को हम लोग अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए। ऐसे इसमें भी वही है, देखिए डी पी एन सी, इसका कोई मीनिंग नहीं है डिक्शनरी में, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक आपके लिए वन ऐसे अरेंज करके दिया है, डी, डी के पहले कौन सा लेटर आता है, सी, सो यू राइट सी। पी के पहले ओ पी, ओ, ओ राइट किए। इन के पहले क्या आता है, पहले एम देन इन, सो एम। सी, सी के बिफोर कौन आते हैं, बी, तो आप देखिए डी के पहले सी आ गए, पी के पहले ओ आ गए, एम के पहले एम आ गए, बी के पहले सी, सो सी ओ एम बी, कॉम। कॉम मीन्स जो कंगी होते हैं उसको हम लोग कॉम बोलते हैं। ये सारे इस तरह के वर्ड हैं। आपको सारे लेटर जो एक्स है, एक्स के पहले क्या आते हैं, डब्ल्यू आते हैं, बी के पहले कौन सा लेटर आएगा, ए, सो ऐसे ये वाटर होगा, वेजिटेबल्स। तो मैम ने आपके लिए सारे नोट डाउन किए हैं, ये पीडीएफ में जाएगा, आप अच्छे से सारे बच्चे बहुत ध्यान से रीड करिएगा। रीड करने से एक इंटरेस्टिंग भी है, बड़े बच्चे धीरे धीरे तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे स्टडीज कम करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो पेरेंट्स आप भी बच्चों के साथ रहिए, उन्हें हेल्प करिए, बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो भी सकते हैं, लेकिन आप अगर हेल्प करेंगे तो सारे बच्चे अच्छे से हर चीज रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।